अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशवाश होंगे और मज़े में होंगे। मरियम किचन डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ और आज एक और छोटी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इससे पहले कि मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ, मेरी जितने भी लोग आज पहली बार मेरी वीडियो को विज़िट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बिना वक्साए किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं फ़तायर, जो मुख्तलिफ अरब ममालिक में बनाए जाते हैं। वो किस तरह से बनेंगे, उसके लिए हमने 2 कप मैदा, ये वाले मैंने कप मैयर किए थे, इसको मैंने छान के अच्छी तरह से बाउल में डाल लिया। आप कोई से भी कप ले सकते हैं, मैंने ये कप लिया है मैयरमेंट के लिए। ये 2 कप मैंने मैदा छान के रख लिया था। अच्छा, इसके अंदर अब जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। पहले हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो सारे इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून साल्ट की ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप ग्राइंड कर लें तो भी चलेगी, ऐसे भी चलेगी। और इसके अंदर ईस्ट हम 2 टीस्पून ऐड करेंगे, ठीक है जी, ड्राई ईस्ट। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर इसको हम दूध के साथ गूंदेंगे। नीम गर्म दूध मैंने लिया है इसके लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। हमें डो जो है वो थोड़ी सख्त बनानी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली डो हमें नहीं बनानी। जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए जी, फुल ग्लास मिल्क में से इतना मिल्क बच गया और जितनी हमें डो सख्त चाहिए उस हिसाब से हमने इसमें वो डाल दिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बटर हमने रखा हुआ है, थोड़ा सारा बटर हम लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसको हम अच्छे से इसके अंदर मसल मसल के गूंदेंगे। अच्छे से हम इसको करके तकरीबन थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, जब तक हमारी ये जो डो है ये राइस नहीं होती, तब तक हम इसको इसी तरह करते रहेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट के लिए आप इस तरह इसको बार बार करें ताकि मक्खन जो है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर सारा मिक्स हो जाए। मक्खन डालने से ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इससे। इसी तरह हम इसको अच्छे से ज़रा गूंदेंगे और तकरीबन उस वक्त तक छोड़ेंगे, घंटा एक लग जाएगा इसकी डो को राइज होने में। देखिए जी, बटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से एक मैट के ऊपर, जो सिलिकॉन मैट है उस पर मैंने रखा है इसको, ताकि ये चिपके ना, और इसको हम अच्छे से इस मक्खन को और इन सारी चीज़ों को यूँ मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करके इसका हम एक बॉल सा बनाएंगे। इस तरह से बॉल बना के हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखें जी, तकरीबन 1/2-1.5 घंटा हो गया और इस तरह से हमने बटर पेपर काट के रख लिए। इसको क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये जो डो हमने बनाई है, क्योंकि अभी हमने खाली ये नहीं करना कि इसको रख देना, अभी हमने इसको शेप देने के बाद भी रखना है 1/2-1.5 घंटे के लिए, इसलिए मैंने इसको निकाल के इसके छोटे छोटे मैं बाल बनाऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लें, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें। जब इनको हम शेप देंगे और शेप देने के बाद भी हम इनको दोबारा से थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इस तरह से हम बाल बना लेंगे इनके। मैं बड़े बना के भी दिखाऊंगी और छोटे भी, आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह से बनाना है आप उस तरह से बना लीजिएगा।
इनको हम इस तरह से इनके बॉल बना लेंगे। सभी बाल बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, हमने इस तरह से सारी डो के जितने बाल्स बने हैं बना के रख दिए हैं दरमियाने से। इनको हम यूँ उठाएंगे और थोड़ा सा ऐसे इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें करना। इस तरह प्रेस करके थोड़ी सी इसकी शेप देंगे। बटर पेपर मैंने इसलिए रखा है कि ये चिपके ना, क्योंकि हमने बाद में इसको फ्राई करना है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इस तरह से आप कोई भी बॉटल ले लें जिसका इस तरह से राउंड का हो, उसका नीचे से एज जो है, और या इस तरह का कोई ग्लास ले लें जिसकी राउंड हो। ये अगर आप बड़े बनाएंगे तो ग्लास छोटा यूज़ हो जाएगा, अगर छोटे बनाएंगे तो फिर आपको इस तरह से ये यूज़ करना पड़ेगा, छोटा ढक्कन जो है। इस तरह हम इसको रख देंगे और अब हम क्या करेंगे, नाइफ के साथ हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। ये हमने इसकी पेटल्स बनानी है। ये फतायर बहुत मज़े के बनते हैं, बटर भी होता है इसमें, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और अरब ममालिक में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिफरेंट शेप्स के अंदर। इस तरह से हम सारी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा मैदा लगाएंगे छुरी को, ताकि ये शेप जो है ये चिपके ना मैदा इसके साथ। इस तरह करने के बाद हम इसको घुमाएंगे और इसकी जो ये हमने पेटल्स बनाई हैं इसको हम शेप देंगे। इस तरह से शेप देते जाएंगे। ये देखिए, ज़्यादा पेटल्स बनाना चाहें तो ज़्यादा काट लें, अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो कम काट लें। इस तरह से हम इसको सभी को मैदा लगा के हाथ पे हम शेप देते जाएंगे। और ये बॉटल हम उस वक्त उठाएंगे, इसके वजन से ये सेंटर वाला पार्ट जो है सनफ्लावर के फूल की तरह ये सेंटर से बैठा हुआ होगा, और साइडों से इसके पेटल जो है वो इस तरह से खड़ी होंगी। इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। देखिए, कोई देर नहीं लगती इसको, बस ज़रा बटर पेपर पे इसीलिए हम लगाते हैं कि ये चिपके ना, या सिलिकॉन मैट पे रख के आप बना लें। लेकिन फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो उठाते हुए फिर इसका मसला होता है, तो बेहतर होता है कि आप इसको इस तरह बटर पेपर समेत ही आप फ्राई करने के लिए डालें और बाद में आप बटर पेपर निकाल लें। ये देखिए, इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। सारी पत्तियों को हम इस तरह से शेप दे के इसको देखें जी, इसी तरह हम दूसरा पकड़ेंगे और उसको सेंटर से हम इस तरह से वज़न डाल के मैदा लगा के इस तरह से रख देंगे, और इसकी पत्तियों को भी इसी तरह मैदे में डिप कर करके इसकी हम कटिंग करेंगे। ये लें जी, इतनी जल्दी हो गया ये। अब इसी तरह हम इसको पकड़ते जाएंगे और इसकी पेटल्स को शेप देते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इस तरह शेप देने से ये बिल्कुल सनफ्लावर के फ्लावर की तरह हो जाएगा। इसी तरह मैं सारे बाकी बना के और इसको मैं दिखाती हूँ। और दूसरा ये कि इस तरह से बनाने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे राइस होने के लिए। देखें जी, मैंने कुछ को बड़ी पेटल्स के साथ शेप दी है। अगर आपने बड़ी पेटल्स बनानी है तो कट बड़े बड़े फासले से लगा लीजिएगा, अगर छोटी पेटल्स बनानी है तो फिर कट आप छोटे मतलब करीब करीब करके लगा लीजिएगा। ये देखें, मैंने तकरीबन सभी बना लिए। अब इनको हमने क्या करना है, छोड़ देना। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मैंने बड़े कट लगाए हैं तो बड़े फासले पे बड़ी बड़ी पेटल्स बनी हैं। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करेंगे, हम तकरीबन
आधे घंटे के लिए इसको इस तरह से हम कवर करके रख देंगे ताकि डो जो है मज़ीद राइस हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम कवर कर देंगे और आधे घंटे के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी जी। आधे घंटे बाद हमारे जो हमने ये बना के फ्लावर रखे थे, फ़तायर रखे थे, ये हमारे थोड़े से राइज़ हो गए डो। इनको हम इसी तरह, अब आयल हमने गरम रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा गरम आयल के अंदर हमने इनको नहीं डालना। हम इनको बटर पेपर समेत इसी तरह उठाएंगे और एहतियात से हम इसमें रख देंगे। जब ये आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई होने लगेगा फिर हम थोड़ी सी आँच धीमी करके इसको इस तरह से बनाएंगे। इसके साथ ही हम एक और डाल देंगे, ये बड़ी पत्तियों वाला है, ये भी मैं एक डाल दूँगी। इसको हम हल्की हल्की आंच पे इस तरह से हल्का गोल्डन करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर आप करेंगे तो ये जल जाएंगे। जब एक साइड कुक हो जाएगी तो बटर पेपर को हम निकाल लेंगे। अब हम देखें, एक साइड इसकी गोल्डन हो गई, इसको हम यूँ उल्टा करेंगे और उल्टा करके हम इसका जो बटर पेपर है उसको इस तरह से हम उतार लेंगे। ये उतर जाएगा इस तरह आराम से। इसी तरह हम दूसरा भी उतार लेंगे इस तरह से। दोनों साइड्स को हम हल्का हल्का इसी तरह से गोल्डन करेंगे, थोड़ा दबाएंगे इस तरह से। बस आंच हल्की रखिएगा, अगर आंच ज़्यादा तेज़ होगी तो जल गए तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कुछ साइड पलट के देखते हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। अभी आप ऑयल डाल सकते हैं ऊपर। देखें जी, इसकी हमने एहतियात से साइड पलट दी थी ये देखें। और इसी तरह हम दोबारा इसको करेंगे, दोनों साइड से हम अच्छी तरह इसको हल्का गोल्डन करेंगे। और बटर पेपर हमने बीच में से निकाल दिया था, इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए। थोड़ा सा दबाएँगे ऐसे, ज़्यादा ज़ोर से ना दबाइएगा, हल्का हल्का सा हाथ रख के दबाएं इस तरह से। ये देखिए, हल्की आंच पे हम कर रहे हैं इनको। अब हम इसको थोड़ी सी और धीमी आंच करके हम निकाल लेंगे। जब आप देखें कि दोनों साइड हो गई हैं तो फिर आप इस तरह से इसको अच्छा सा आयल इसका निचोड़ के यूँ इस तरह से बाहर निकाल दें। इसकी थोड़ी सी एक साइड रहती है अभी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और ये बनते भी सॉफ्ट हैं। ये देखें अंदर से सॉफ्ट होंगे। इसको भी हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम तरह से हम बटर पेपर उठा के ये वाला भी इस तरह से हम डाल देंगे इस तरह से। एक और डाल देंगे और एहतियात से फिर मैं दोबारा बटर पेपर निकालते हुए आपको दिखाती हूँ। ये अभी हमारे फ्राई हो रहे हैं साइड पे, और जो हो चुके हैं उनके ऊपर क्या करेंगे हम, हमने कुछ पिसी हुई चीनी रखी है ग्राइंड करके, शुगर को हमने इसमें रखा है, और साथ में ये थोड़ा सा जैम है मैंगो का है और स्ट्रॉबेरी का है। हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक को उठाएँगे इस तरह से, ठीक है जी। इसके अंदर हम लगा देंगे इस तरह से, हम लगा के आप जो मर्ज़ी चाहें लगा सकते हैं। ये लगाना चाहें, जैम लगाना चाहें, चॉकलेट लगाना चाहें, और ऊपर हम थोड़े से ये जो नट्स हैं बादाम वगैरह हमने रखे हुए हैं इनको हम थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो इसके ऊपर हल्की सी शुगर कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। ये देखें बाकियों के ऊपर भी मैं इसी तरह से ये लगा दूँगी शुगर। एक मिनट पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ ये जल ना जाए। ये मैं इनका बटर पेपर निकाल लूँ ज़रा। देखिए जी कितने ज़बरदस्त हमारे फतायर जो टी टाइम के लिए हमने बनाए हैं वो बन के तैयार हुए हैं। और देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल लग रही है, और इस तरह से आप भी बनाएं। ये देखें बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये आप इस तरह तोड़ें तो ये बिल्कुल अंदर से इस तरह से होंगे और बहुत सॉफ्ट होंगे और बहुत मज़े के होंगे, बिल्कुल डोनट्स के जैसा टेस्ट आएगा इसका। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं जी फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ियमा।